सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्याम इलेक्ट्रिक में आपके फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मेगर टेस्ट कैसे किया जाता है, केबल का इंसुलेशन चेक कैसे किया जाता है। दोस्तों आप नए इलेक्ट्रिशियन है तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कैसे इंसुलेशन चेक किया जाता है, इसमें केबल डैमेज है कि नहीं हम चेक करके बताएंगे। ये जो पोल देख रहे हैं सारे पोल में हम मेगर करेंगे, तो आप नहीं जानते क्या, बहुत कुछ जानने वाले हैं। देर न करते वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं हमने इंसुलेशन निकाल लिया है, RYB न्यूट्रल और अर्थिंग और ये आर्मर है, ठीक है। इसको हम लोग टेस्ट करेंगे, ये डायरेक्ट बैरिड हो गया है केबल, ठीक है। तो इसको चेक करेंगे इंसुलेशन इसका डैमेज है कि नहीं, आपस में शॉर्ट है कि नहीं, ये पावर देने से पहले चालू किया जाता है, तो इसको मेगर हम करेंगे, ठीक है दोस्त। तो ये स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आप जानें कैसे हम लोग मेगर कर रहे हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं केबल जो है ये ग्राउंडिंग है, जो कि कितने पे 450 से लेकर 750 वोल्ट तक हम चेक करेंगे। यहाँ पे ये न्यूट्रल लगाएंगे, ये मेगर है, यहाँ पे न्यूट्रल लगाएंगे, अर्थिंग के लिए दिया गया है। और ये रात में आप इसे, अगर लाइट नहीं है तो आप लाइट जल जाएगा। और यहाँ पे वोल्टेज दिया है, कंपनी का नाम है। और यहाँ पे पुश करेंगे ना, तो यहाँ पे पुश करके लॉक कर देंगे तो आपको रीडिंग चालू हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आइए स्टेप बाई स्टेप जानते हैं ये सब वोल्टेज है कितने पे, केबल के रेटिंग के हिसाब से आप इस पे वोल्टेज डाल सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे पहले हम लोग कोड लगाते हैं, ठीक है। ये वायर यहाँ पे लगाएंगे पहले, ओके। यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे एक वायर को और दूसरा ये न्यूट्रल करेंगे, ठीक है, ब्लैक वाला। ऐसे आपको मेगर करना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप ये देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आइए देर न करते हुए हम लोग चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे पहले L1 और L2 में, रेड और येलो में लगाएंगे, ठीक है दोस्त। तो इसमें हम चेक करेंगे रेड और येलो में कैसे चेक करते हैं। दोस्तों ये हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, आप नए इलेक्ट्रिशियन है तो कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे रेड में एक लगाए और एक येलो में लगाए, L1 और L2 में, ठीक है। ऐसे लगाकर आपको ये केबल जो है 1000 पे चेक करना है, 1000 वोल्ट देना है इस पर, ठीक है, 1000 वोल्ट देना है। और अच्छे से लगाना है, सेफ्टी के साथ लगाएं, ग्लव्स पहन कर लगाएं, क्योंकि इस पर वोल्टेज 1000 वोल्टेज देते हैं तो आपको टच होगा तो मसला हो सकता है, आपको करंट लग सकती है। तो यहाँ पे ऐसे देखिए 0-0 है, 1000 वोल्टेज पर हमने दे दिए, ऊपर वो दोनों वायर को L1 L2 में टच कर दिए हैं, बिल्कुल अच्छे से टच कर देना है, ठीक है। और ग्लव्स पहन के ही ये काम करना है और यहाँ पे टर्न ऑन कर रहे हैं। इसके बाद से आपको देखें यहाँ पर रेटिंग चालू हो जाएगा, यहाँ मिनट चलेगा और ओएल लिखा हुआ, मतलब ओपन लाइन, मतलब केबल सही है, ठीक है। और 1100 वोल्ट है, 1100 वोल्ट हम लोग 1000 पे दिए हैं, 1100 वोल्ट बता रहा है। और यहाँ मिनट चलेगा, ठीक है दोस्त। तो ये कम से कम एक मिनट तक आपको ऐसे रखना है, ठीक है। और 1000 वोल्टेज यहाँ देख रहे हैं, केबल के रेटिंग के हिसाब से आप वोल्टेज देंगे, केबल पे लिखा रहता है कितना वोल्ट पे इसको मेगरिंग करना है, चेक करना है, इंसुलेशन चेक करना है, ठीक है दोस्त। तो ऐसे आप चेक कर लेंगे, एक मिनट गीगा ओम्स में दिखा रहा है, ठीक है, गीगा ओम्स में है। तो केबल सही, यहाँ पर अगर नाइट है तो यहाँ पर ऑन करेंगे तो लाइट जल जाएगा, ठीक है दोस्त। एक मिनट तक आपको बिल्कुल एक L1 L2 चेक करना है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। दोस्तों ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप चेक करना है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको ऐसे चेक कर लेना है, ठीक है दोस्त। आपको ऐसे चेक करके देख लेना है, कम से कम एक मिनट रखना है, ठीक है। बाद में इधर टर्न ऑफ करके फिर केबल हटाएं, ठीक है दोस्त, नहीं तो इसमें वोल्टेज रह जाता है। दोस्तों आपको बता दूँ, 1 by 1 हम अगर चेक करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए हमने डेमो एक फेस, दो फेस, L1 L2 हम करके दिखा दिए और आर्मर अभी चेक करके आपको बता दे रहे हैं, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि केबल पे कितना रेटिंग है, कितना वोल्ट लिखा हुआ, उतना ही वोल्ट देना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं देना है, उससे थोड़ा कम रहे सही रहेगा, ठीक है दोस्त। तो नए इलेक्ट्रिशियन है तो वीडियो आप देखें जरूर और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्त। अभी हम अर्थिंग का चेक करेंगे, यानी ग्राउंडिंग को हम चेक करेंगे, ग्राउंडिंग को वोल्ट देंगे 500, ठीक है। इसलिए 500 देंगे क्योंकि ग्राउंडिंग पे 450 से लेकर 750 वोल्ट लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से हम 500 पे इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। 500 पे टेस्ट करेंगे ग्राउंडिंग को। आप मेगरिंग करने जा रहे हैं तो जरूर उसका रेटिंग चेक कर लें, जरूर उसका केबल पे देख लें कितना वोल्ट लिखा हुआ, उसी हिसाब से आप चेक करें। यहाँ पे देख रहे हैं OL लिखा हुआ, मतलब ओपन लाइन है और मेगा ओम्स में आ रहा है। और एक मिनट इसको भी चेक कर रहे हैं, 530 वोल्ट बता रहा है मेगर, ठीक है दोस्त। तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है, बिल्कुल एक मिनट रखना है केबल को, क्योंकि बैकफिल होता है ना, उस समय केबल डैमेज भी हो सकता है। तो जब भी आप बैकफिल करें स्विच से डालें। दोस्तों उसके बाद से ऐसे आप एक पेपर बना लेना है, एरिया वोल्टेज जो भी ऊपर लिखा है बैकफिल, मतलब फिलिंग कर लेना है। और
ये आपको मालूम पड़ेगा कि किस लोकेशन में आपने काम किया है और कितना वोल्ट पे काम किया है, और यहाँ पे जो केबल साइज है वो लिख लेना है, और जो केबल का ड्रम होगा ना इसमें लिख लेना है, ठीक है, ऐसे आपको बना लेना है। और यहाँ पे देख रहे हैं L1, L2, L3, L1, L3 ऐसे करके आपको ये बना लेना है। उसके बाद से आपको न्यूट्रल को L1 न्यूट्रल, L1 आर्मोर ऐसे करके लिख लेना है, ठीक है दोस्त, तो ऐसे आपको बना लेना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर दिया। देखिए हमने चेक किया तो ऐसे हमने लिख लिया, वेल लिखे मतलब ओपन लाइन, जो रेटिंग आएगा वो लिखना है।